Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a copper cube of mass 200 gram slides down on a rough inclined plane of inclination 37 degree at a constant speed. Assume that any loss in mechanical energy goes into the copper block as thermal energy. Find the increase in the temperature of the block as it slides down through 60 centimeter. Specific heat capacity of copper is given. Okay. तो देखो हमारे पास एक रफ इंक्लाइन सरफेस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन 37 डिग्री एंड हमारे पास एक कॉपर ब्लॉक है जो कि इस रफ इंक्लाइन सरफेस पे एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। सो देखो अगर हम इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी बिकॉज ये जो ब्लॉक है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम इनटू वी स्क्वायर, राइट। मास तो कांस्टेंट है एंड स्पीड भी कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया। बट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा कंटिन्यूअसली। आप देखो जैसे जैसे ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ आएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 60 सेंटीमीटर। सो समथिंग लाइक दिस, ये 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जब ट्रेवल करता है उस टाइम पे इसका जो हाइट है वो डिक्रीज हो गया। कैन यू फाइंड आउट कितना वर्टिकल हाइट डिक्रीज हुआ है? दिस वर्टिकल हाइट यू कैन इजीली फाइंड आउट। देखो ये 60 है और ये एंगल 37 है, सो दिस विल बी 60 sin 37। साइन 37 दैट इज 3/5, सो 3/5, सो 12 × 3 दैट इज 36 सेंटीमीटर। सो कितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ? एम जी एच, राइट। सो एम इंटू जी इंटू कितना हाइट नीचे आया, 36 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.36 मीटर। एम क्या है? मास ऑफ दिस कॉपर ब्लॉक, राइट। सो इतना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ और यू कैन से इतना मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हुआ बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो कॉन्स्टेंट है। सो जो भी डिक्रीज है पोटेंशियल एनर्जी में वही डिक्रीज है मैकेनिकल एनर्जी में। सो ये जो डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में और ये कॉपर ब्लॉक के पास चला जाएगा। सो जब हम किसी ब्लॉक को क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं देन उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज हो जाता है, सच दैट क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्यू क्या है? कितना हीट आपने सप्लाई किया। एम क्या है? मास ऑफ दैट ब्लॉक। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ब्लॉक। डेल्टा टी क्या है? कितना चेंज हुआ और कितना इंक्रीज हुआ टेम्परेचर में। सो क्यू कितना है? दैट इज एम जी 0.36, दैट इज इक्वल टू एम इंटू सी इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 420, राइट। सो सी का वैल्यू 420 हो जाएगा और ये चेंज इन टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। सो एम से एम कैंसल हो गया, जी का वैल्यू 10 ले लो, सो इट विल बी 3.6 डिवाइडेड बाय 420, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो न्यूमेरिकल वैल्यू यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।